व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दिस इज तारिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डे थ्री आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या अपनी इंग्लिश को कैसे ठीक किया जा सकता है हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश मेरे एक बच्चे ने सवाल किया सर आई वोट आस्क यू माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड And I want to improve my English. So how can I improve my English? उनके कहने का मतलब ये था लेकिन uh, by mistake के उनसे कहा नहीं गया तो उन्होंने लिख दिया uh, जो उनके समझ में आया लेकिन मैं उनके सवाल को समझ गया I will answer this question in this video. मैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा, so please इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट देर इज़ अज डिफरेंस बिटवीन आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको ये बता दूँ कि दो सवालों के जवाब में डिफरेंस समझ लें कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मैं इंग्लिश बेहतर बनाना चाहता हूं। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो एक अलग सवाल है कि वट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश वट आर द स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश दैट्स एन अदर क्वेश्चन ये एक अलग सवाल है बट वैन वी टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कि इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाना है हाउ कैन वी इम्प्रूव माई इंग्लिश कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाऊँ सो वी विल टॉक अबाउट दिस हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें अंग्रेजी को कैसे बेहतर बनाना है फ यू आर ऑन द सेम पेज सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगर आपको भी यही मसला है तो इस वीडियो को पूरा देखें इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो आपको यह पता होगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश आप शायद इंग्लिश को समझ सकते हो बट यू कैन नॉट स्पीक शायद आप बोल ना सकते हो मे बी यू कैन राइट शायद आप लिख सकते हैं बट यू कैन नॉट स्पीक या तो आप बोल नहीं सकते सो देर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू ओके सो वॉट आर द स्टेप्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी मदद से आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं फर्स्ट आई ऑलवेज से फोकस ऑन लिसनिंग सुनने पे तवज्जो दें सुनने पे तवज्जो दें द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु स्पीक्स इंग्लिश इन दैट ग्रुप वहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बोलते हैं ग्रुप में एंड दे हेल्प ईच अदर वो एक दूसरे की मदद करते हैं मे बी दे विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश शायद वो आपकी भी मदद करें अंग्रेजी बोलने में फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन लिसनिंग सेकेंड यू हैव टू ज्वाइन अ ग्रुप यू शुड बी इन द इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश आपको वहां होना चाहिए जहां माहौल है इंग्लिश सीखने का सो इफ देयर इज नो इन्वायरमेंट सो यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश तो आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर नहीं बना सकेंगे T-Series is my favorite one. Listening a story. I'm not talking about watching stories. I'm talking about listening stories. Listening a story is the best way to learn English. To improve your English. You can speak better if you listen stories. अगर आप अंग्रेज़ी सुनते हैं वो भी कहानियाँ सुनते हैं तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं वाई हाउ कैसे किस तरह सिर्फ सुनने से वो भी एक कहानियाँ यस इट इज़ पॉसिबल हाँ ये मुमकिन है क्यों बिकॉज इन स्टोरीज देर आर मैनी सिचुएशंस वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं देर आर मैनी विकैबलरीज इन द स्टोरी बहुत सारी विकैबलरीज होती हैं स्टोरी में देयर आर मैनी न्यू वर्ड्स वहां बहुत सारे नए अल्फाज होते हैं मे बी यू ऑलरेडी नो द विकैबलरीज शायद आपको पहले से पता हो वो तमाम विकैबलरी बट लेकिन यू डोंट नो हाउ टू यूज अ विकैबलरी आपको ये नहीं पता होता कि विकैबलरी को इस्तेमाल कैसे करना इन अ सेंटेंस जुमले में यू नो वर्ब यू नो द सब्जेक्ट यू नो द ऑब्जेक्ट बट यू डोंट नो हाउ टू यूज दैम तुम्हें यह नहीं पता होता कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे स्टोरीज टीचर्स हाउ टू यूज वर्ब हाउ टू यूज सब्जेक्ट हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट हाउ टू यूज एक्स्ट्रा वर्ड एंड एवरी डे आई लिसन अ स्टोरी मैं हर दिन एक कहानी सुनता हूं जस्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से ये कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव टू लिसन, मुझे सुनना पसंद है और आई नो लिसनिंग इज द की सुनना चाबी है इफ यू वॉन्ट टू स्पीक अगर आप बोलना चाहते हैं वो चाबी ताले की सुनना है जिसको सुनने पे फोकस हो गया वो इंग्लिश बोलना शुरू हो गया सो आई विल रिकमेंड फोकस ऑन स्टोरीज देर आर मैनी स्टोरीज आई हैव बीन अपलोडेड मैंने बहुत सारी कहानियाँ अपलोड की हुई है आई हैव अपलोडेड मोर देन फिफ्टी स्टोरीज मैंने पचास से ज्यादा स्टोरीज अपलोड की हैं फर्स्ट लेसन एंड लर्न सुने और सीखे ट्राई टू तो यूज ट्राई टू तो स्पीक ये तीन चीजें तो करके देखें एंड इट विल इंप्रूव योर इंग्लिश अलॉट और ये आपके अंग्रेजी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और कोशिश करें वॉच माय वीडियो डेली रोज मेरी एक वीडियो तो देखें वॉच अ वन वीडियो डेली एक वीडियो तो रोजाना देखें. इवन वो कूट की हो पोट्री की हो स्टोरी की हो वट उसको देखें उसमें कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी जरूर होगी जो आपको नहीं पता होगी कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी आप सीखने की गर्ज से सुने हम क्या करते हैं हम जल्दबाजी में कोई चीज़ पूरी नहीं देखते लोग मुझसे पूछते हैं मैं अपनी अंग्रेज़ी को कैसे बेहतर बनाऊं और मेरी वीडियो आदि भी नहीं देखते यूट्यूब में एक यूट्यूब में पता चल जाता है कि आपको कितने लोग आपकी वीडियो पूरी देखते हैं तो नाइन्टी परसेंट लोग एक मिनट की वीडियो देख के भाग जाते हैं और फिर वो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश कि मैं अपनी अंग्रेज़ी को कैसे बेहतर बनाऊँ अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने वाले अवामिल तो आपने छोड़ दिए और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाया जाए सुने देखें समझें और बोलें दैट्स द की और यही रास्ता है मैं उम्मीद करता हूँ आप इन तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ मी रिपीट फर्स्ट लिसनिंग पे फोकस करें कुछ भी सुने गाना सुने फिल्म सुने, कुछ भी सुने मगर इंग्लिश में पर चलो उर्दू में सुन के बोले सर इंग्लिश नहीं आई सर आपने तो बोला था इंग्लिश आ जाएगी सुनने से मैं तो दो घंटे से गाने सुन रहा हूँ उर्दू में इंग्लिश नहीं आई <laughs> तो ऐसा नहीं होना चाहिए सही है नेक्स्ट थिंग सेकेंड थिंग यू हैव टू जवाइन वाट्स ग्रुप एंड माई स्टूडेंट्स विल हेल्प यू आई विल ऑल्सो हेल्प यू आई आई टेक क्लास देयर मैं वहाँ क्लास भी लेता हूँ एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे थ्रू वॉइस मैसेजेस वॉइस मैसेज के जरिए मैं वहाँ क्लास लेता हूँ तीन दिन और तीसरा जो है लिसन अ स्टोरी स्टोरी इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश तो चाहे मेरी सुने चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश स्टोरीज लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज बहुत सारी आपको मिल जाएंगी अगर आपको मेरी पसंद नहीं आ रही उर्दू ट्रांसलेशन वाली पसंद नहीं आ रही सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश देख लें कोई इशू नहीं है मैं ये नहीं कहता कि मेरी आप देखें वीडियो आप कहीं भी देखें लेकिन इन चीज़ों को इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें आप कहीं भी ग्रुप ज्वाइन करें लेकिन वहाँ लोग आपकी मदद भी करें ओके सो दिस वॉज माई टिप फॉर द डे उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफिज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं क्या आप मेरी इन तीनों बातों से एग्री करते हैं अगर आप एग्री करते हैं तो सही है नहीं एग्री करते तो क्यों नहीं एग्री करते इसकी वजह भी बताएँ अल्लाह हाफिज़ टेक किया